हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम निकल रहे हैं 6 o'clock कुल्लू कुमलई के लिए। वी आर गोइंग लेट बिकॉज कि वहाँ पे अगर हम 4 o'clock जाते हैं तो बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। और वो जगह जो स्पेशल फेमस है सनराइज़ के लिए, तो हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, ना तो सनराइज़ के टाइम पे, ना तो बहुत ज़्यादा लेट। हम निकल रहे हैं अभी 6 o'clock को और वहाँ पे पहुँचेंगे 8 o'clock को। 8 o'clock में वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम जीप से जाएंगे कुल्लू कुमलई। तो चलिए देखते हैं कितना ब्यूटीफुल है कुल्लू कुमलई। सो अभी हम लोग सूर्य वैली रोड में हैं और यहाँ से अभी जाना है हम लोगों को कुल्लू कुमलई। तो उसके लिए हमने ये वाली कैब चेंज करके अभी जीप में जाना है, क्योंकि यहाँ से जो आगे का रोड होने वाला है काफ़ी बम्पी होने वाला है, काफ़ी ऑफ रोड होने वाला है, उसके लिए जीप पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उतर गए हैं और आज अरुण भाई भी हमारे साथ करने वाले हैं कुल्लू कुमलई का ब्लॉग। ये जीप है, इसमें जाने वाले हैं। एक एक बिस्किट खा लिया एनर्जी के लिए, क्योंकि सिर्फ सोकर उठ कर आए, वो दिख रहा होगा चकल से हमारे। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फॉर्म दिया जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन लिया जाता है यहाँ पे, और ये फॉर्म फिलअप करना है आपको। और ये है ऑफिस, फिर यहाँ से फिर आपको मिलेगी आगे की एंट्री जाने के लिए। मेरी शक्ल दिख के लग रही होगी, इतनी नींद आ रही है, बट अभी तो नींद और भी ज़्यादा उड़ जाएगा क्योंकि पूरा ऑफ रोड आने वाला है। इसलिए फिर से हम ये मतलब जीप वाला राइड मिलने वाला है हमें एकदम सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह हाथ पैर का दर्द चालू होगा। और यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप किया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो भी टिकट के चार्जेस है वो जीप में इंक्लूड है। और बस यहाँ से अभी निकलेंगे हम, यहाँ से अभी निकलने में और 1 घंटा, मतलब लाइक पहुँचने में कुल्लू कुमलई का जो मेन टॉप पॉइंट है वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। छोटा सा विलेज है जो आता है तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन यहाँ तक जाने का रास्ता मुन्नार के सूर्यनली विलेज से है। रास्ता पूरा 99% आपको बम्पी ऑफ रोड मिलेगा, लेकिन इस पीक तक जाना वर्थ होता है। कुल्लू कुमलई में वर्ल्ड का हाईएस्ट टी प्लांटेशन है, इसलिए यहाँ पे जो भी चाय पत्ती प्रोसेस होती है बहुत ही टेस्ट में वंडरफुल होता है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये पीक सी लेवल से 7000 फीट अबव है और यहाँ पे हर साल टी का प्लांटेशन होता है, और यहाँ पे जाने के लिए लोग किसी भी सीज़न में आते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे मॉर्निंग में सनराइज़ देखने के लिए जाते हैं, तो अगर आप सनराइज़ देखना पसंद करते हैं मॉर्निंग में जा सकते हैं। वीकेंड अवॉइड करके आप वीकडेज़ प्रेफर कीजिए, क्योंकि वीकेंड में यहाँ पे बहुत क्राउड होता है। उसके साथ ही साथ जब आप ये पॉइंट कवर करते हैं, उससे थोड़ा ही आगे जाने पे आपको और भी इससे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाला पीक मिलेगा, जो कि 8000 फीट अबव है, वो है बॉस पीक। उसमें जाने के बाद आपको पूरा का पूरा मुन्नार और सूर्य वैली विलेज नज़र आएगा, तो वो पीक भी आप कवर कर सकते हैं इसके साथ ही साथ। अभी मैं जा रही हूँ बॉस पॉइंट पे, जो कि कुल्लू कुमलई से भी बहुत आगे है, 7000+ फीट अबव है। तो जान फटके हलक पे आ गया है। अभी जा रही हूँ मैं बॉस पॉइंट पे,
जो कि कुल्लू कुमले से भी बहुत आगे है। सो चल के जाना पड़ रहा है, जीप नीचे है, आवाज़ से ही पता चल गया होगा कितनी थक गई हूँ मैं। ऊपर चढ़ के जाना, हाथ में बोतल है, डंडी है, खुद का वेट है, क्या संभाले समझ में नहीं आ रहा, बट हिम्मत करके चढ़ना है, जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे सुबह सुबह उठ के। तो गाइस यहाँ तक पहुँची हूँ मैं, मतलब 8000 फीट अबव। हम सूर्य वैली गाँव से निकले और उसके बाद ऑफ रोड मिला और उसके बाद तो पहले मैं कुल्लू कुमलई का पीक क्रॉस करके और भी आगे आए हैं ये बॉस पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का पूरा ट्रेल है जो पूरा हाइक करके आपको आना है, विच इज सो डिफिकल्ट, बट जो यहाँ से व्यू मिलेगा लाइक हाफ पार्ट इज केरला एंड हाफ पार्ट इज तमिलनाडु। सो अभी मैं जस्ट रेस्ट कर रही हूँ एक रॉक पे बैठ के, ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा और पीक है उसके ऊपर भी जाना है और ये कैसा दिखता है ये आप अभी देखेंगे। ये वाले पार्ट पे हमें और अभी ऊपर जाना है, एक थोड़ा देर रुक के जाएंगे। मालूम नहीं पड़ता है। ये पूरा रास्ता है जहाँ से हम ऊपर आए हुए हैं, देख के बहुत इजी लग रहा है। और ये है सूर्य नेली विलेज, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ऊपर आना है आपको। पहुँचे हो भाई, पहली बार। हाँ तो मैं आ चुकी हूँ अपने इस पॉइंट पे जिसके लिए मैं निकली थी सुबह के 6 बजे से, और 1 घंटे का अच्छा रोड था और 1 घंटे का पूरा ऑफ रोड था, इतना बम्पी रोड। और उस बम्पी रोड को क्रॉस करके और 1 किलोमीटर का हाइक करके ऊपर आना है, जो कि बहुत ही स्टिफ वे है, बहुत ही स्कैरी है। सच में मैं बोलूँगी कि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, मतलब जो फिटनेस फ्रीक है, जो हेल्दी है, वहीं पर आए, और बच्चों को लेकर तो बिल्कुल भी ना आए कुल्लू कुमलई वाले आप पीक पर, और इवन जो एल्डरी हैं उनको भी ना लेकर आए। सो क्योंकि बहुत ही डेंजर रोड है ये, तो यहाँ से पूरा आपको वो रोड दिखेगा और यहाँ से पूरा आपको गैप रोड का व्यू, मधुपट्टी डैम का व्यू, सारा व्यू मिल जाएगा। सामने वाला जो पीक है वो कुल्लू कुमलई है, और इस पीक पे जो मैं खड़ी हूँ ये है बॉस पीक, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। हमने सोचा था उसमें भी जाएंगे, बट पहले इस पीक पर आए हैं, अगर अभी एनर्जी बची रहेगी तो उसमें भी चले जाएंगे। बट ये बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही, यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप एंजॉय कीजिए इस ड्रोन शॉट में। अपनी तन्हाइयों में मजा लेते हुए बैठे हैं अपनी खामोशियों के बीच में। हाँ, और बस अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से। अब नीचे उतरना है, तो हाइक करने में, चढ़ने में तो बहुत दिक्कत था, नीचे उतरने में एटलीस्ट थोड़ी कम थकान होगी, बट बहुत ही अच्छा टाइम गया, बहुत ही अच्छा डे गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सो अभी हम उतने हाइट से नीचे उतर चुके हैं, चढ़ने वाला पार्ट डिफिकल्ट है, उतरने वाला पार्ट उतना नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ लीचेस से बचकर चलना है कि लीचेस आपके पैर पे, जूते पे ना चढ़ जाएं, और कुछ नहीं,
साथ में गाइड रख लीजिए, या जिनके साथ आए हो जीप वाले उनके साथ ही चले जाइए, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए, वो थोड़ा हेल्प कर देंगे ऊपर जाने तक में। हाँ, तो हम अभी जा रहे हैं टाइगर माउंटेन पे, जो बोस पॉइंट है उससे थोड़ा ही आगे, मतलब ये पहले आता है, लास्ट में बोस पॉइंट आता है। तो टाइगर माउंटेन पॉइंट पे जा रहे हैं, जो बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे रील्स पे, तो देखेंगे कैसा है। तो है क्या, और बेस्ट पार्टी है ना कि इस जगह पे अगर आप सैटरडे संडे आएंगे ना तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, बट हम लकी कि आज मैं वीकडे पे आई हूँ। ये वो पॉइंट है जो भाई इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, अब किस लिए फेमस है वो ये आप देख लीजिए। ये देखिए, तो बड़ा वाला ये टाइगर पॉइंट, लोनावला वाला नहीं, मुन्नार वाला, कुल्लू कुमलाई जिसे कहा जाता है पीक, जो फेमस है सनराइज के लिए, और इस पूरे पीक को कुल्लू कुमलाई कहते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट का अलग अलग नाम दिया। जैसे पिछले बार जो गई थी मैं वो बॉस था, और ये वाला टाइगर बिकॉज इसका जो फेस कटिंग है ना थोड़ा टाइगर के जैसे है, और फोटोज बहुत अच्छे आते हैं उस पीक को टच करते हुए, इसीलिए ये जो प्लेस है बहुत फेमस है। तो यहाँ पे वीकेंड में ना पूरा वहाँ तक लाइन रहता है, मतलब लोग पूरा फुल ऑन लाइन लगा के खड़े रहते हैं यहाँ पे फोटोज वीडियोस लेने के लिए, बट आप वीकडेज में आइए तो आपको पूरा ऐसे खाली मिलेगा, तो आप अच्छे से शूट कर सकते हैं। आज जो मेरा कुल्लू कुमलाई का जो डे था बहुत अच्छे से गया। अभी ये डे यहीं पे ही एंड करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पहला वाला पॉइंट था बोस पॉइंट, फिर अभी ये टाइगर पॉइंट कुल्लू कुमलाई पीक पे आके, विच इज़ ऑल्सो फेमस फॉर अ सनराइज पॉइंट, काफ़ी अच्छा है। तो अभी कह सकते हैं कि मैं तमिलनाडु में हूँ, अभी मैं जा रही हूँ केरला में। सो ऐसा गया ये दिन, काफ़ी अच्छी जगह है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ये लाइक एडवेंचरस पसंद करते हो तो आप इस स्पॉट पे आ सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है एडवेंचर राइड ना, ख़राब रास्तों वाला, ऑफ रोड वाला, तो मत ही आइए, ठीक है। सो बस ये डे यहीं पे ही एंड करूँगी मैं, अभी कल मिलते हूँ आपसे थेकड़ी वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। सो पूरी तरीके से थक के चूर चूर होने के बाद, मतलब एक एक बॉडी का एक एक हड्डी हिल जाने के बाद, अभी नीचे तो नहीं आए हैं, जस्ट जो बोस पॉइंट है उसके ही नीचे के जो स्पॉट है, यहाँ पे एक छोटा सा खाने पीने का जगह है, चाय का जैसे बोल सकते हैं टपरी काइंड ऑफ अड्डा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा चाय ब्रेकफास्ट करेंगे, पर तो बस इंतज़ार है चाय का, सुबह से ही चाय पिया है। अभी ये जो स्पॉट है ना, यहाँ पे लोग चाय पीते हैं रुक के, मतलब जो कुल्लू कुमलाई जाते हैं या जो बोस पॉइंट को जाते हैं, तो ये मेन रहता है हब, जहाँ पे आगे लोग टी कॉफ़ी ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ का मतलब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट कैंप होता है, और नाइट कैंप में आप समझ सकते हो कि आपको पूरा एकदम मॉर्निंग का ट्रैकिंग, सनराइज व्यू सब सारा मिलेगा। और ये जो ट्रैकिंग का जो ये इसके चार्जेस है वो भी बहुत कम है, लाइक 2500 इंक्लूडिंग ऑल फूड्स मील सारा सब कुछ इंक्लूड करके है। और वो किधर लगता है वो भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, मतलब उतना बड़ा कैंप नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छा वाला ये पॉइंट है। आप कैंप पे रहिए, फिर उसके बाद आप मॉर्निंग में हाइक करके सनराइज देखिए। यहाँ पे लोगों को ऐसे कैंपिंग कराते हैं 2500 में, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, जिसको अगर आपको बजट ट्रिप करना है आप यहाँ पे रह के पूरा व्यूज़ कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अरे इतना सारा लो ना, वो आया तो रहेगा, ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं हम लोग। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट वाला हाइक था, और अभी ब्रेड ऑमलेट खाने के लिए मिला, मैगी खाने के लिए मिला, तो टूट पड़े हैं हम लोग।
सो आई एम बाइंग चाय पत्ती फ्रॉम हियर. मुझे ऐसा लगा कि बड़े स्टोर से खरीदने से अच्छा है कुल्लू कुमले ही आए हैं और टी गार्डन पीछे ही है तो यहाँ की चाय पत्ती ली जाए. सो एक पैकेट मैंने ब्लैक टी वाला लिया है और एक मिल्क टी वाला लिया है. ये ले रहे हैं यहाँ पे है. तो बड़े शॉप में जाने से बेटर है बड़े शोरूम में आप छोटे जगह पे भी आकर लीजिए. इनके लिए भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता है ना. और यहाँ पे मैगी ऑमलेट वगैरह बहुत अच्छे से मिलता है तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं. बेहतरीन शख्स से मैं मिलवाने वाली हूँ. सर आपका नाम? एबी माइकल. एबी एंड माइकल जिन्होंने आधा मतलब जीप में इनके साथ आए हैं हम और ऊपर का ट्रैक माइकल भाई ने कराया है. एकदम माइकल सर बोल सकते हैं. और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में थेकड़ी में क्योंकि इसके बाद का ब्लॉग आने वाला है थेकड़ी पे. तो मिलती हूँ आप लोगों को वहाँ पे. तब तक के लिए अलविदा.